एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक हेयर स्टाइल लेके आ गई हूँ, और आज मेरे बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल लगी हुई है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी होने की वजह से मैंने हेयर को वॉश नहीं किया है। तो आज मैं इसी बालों के साथ आप लोग को ये हेयर स्टाइल दिखाने वाली हूँ। आप इस हेयर स्टाइल को फ्रेश हेयर में भी, यानी कि हेयर वॉश करके भी बना सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस हेयर स्टाइल के लिए आपको चाहिए 3 छोटे वाले रबर बैंड, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल बनेगा। तो इग्नोर कीजिएगा मेरे ऑयली हेयर्स को, और बस हेयर स्टाइल पे फोकस कीजिएगा। और हेयर स्टाइल पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। और इंस्टा आईडी है PreetiY24, वहाँ पे मैं अपनी रील्स वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ से इस तरीके से मैंने बालों को उठाया है। ओके, बालों को लेने के बाद से मैंने एक रबड़ बैंड लिया है, छोटू वाला, पतला वाला रबड़ बैंड। इसको यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। तो ये लगाने के बाद इसको टाइटली करके इसको हटा देंगे, इस वाले हेयर को ऊपर की तरफ इस तरीके से सिक्योर कर लेंगे। अगेन जितने हेयर हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और एक रबर बैंड यहाँ लगाएंगे। ओके, इसको भी ऊपर की तरफ लाके सिक्योर कर लेंगे। अब जो हेयर बचा है इसको भी अच्छे से कॉम करेंगे और रबर बैंड लगा देंगे। रबर बैंड लगाने के बाद से जो सेंटर वाला पार्ट था उसको ले लेंगे, बीच वाले हेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सिंपली ट्विस्ट कर देंगे। एंड तक पूरा ट्विस्ट करेंगे। इस तरीके से ऊपर का जो हेयर था उसके पास से लेके आएंगे, और जो ऊपर वाला रबर बैंड था वहाँ पे एक यू पिन से इसको सेट कर देंगे, जस्ट रबर बैंड के पास ही, ताकि जो हेयर स्टाइल है वो खुल ना जाए। ओके, और नीचे से लेके आएंगे, और अगेन इसी रबर बैंड के पास में इसको सिक्योर कर देंगे। जिसके भी छोटे बाल, मतलब हल्के बाल हैं एंड लंबे हैं, वो ही ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकता है, बहुत ही अच्छा लुक आ जाएगा। अब फिर से आपको नीचे वाला जो हेयर था ऊपर वाले को छोड़ देंगे, देन नीचे वाले हेयर को ट्विस्ट करेंगे। एंड तक ट्विस्ट करने के बाद से इसको भी पूरा ऊपर से लेके आएंगे, और इस वाले रबड़ बैंड के पास में नीचे जो रबड़ बैंड लगाया था हमने वहाँ पे यू पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। रबड़ बैंड के पास इस यू पिन इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो हमारा हेयर स्टाइल है वो लॉन्ग टाइम तक टिका रहे और खुले नहीं। अब ऊपर का जो हेयर है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ट्विस्ट करेंगे। अच्छे से ट्विस्ट कर लेंगे। और फिर ऊपर से लेके आएंगे और यू पिन से इसको सिक्योर कर देंगे।
तीन चार यू पिन अच्छे से सेट कर लेंगे अपने बालों में, ताकि जो आपका हेयर स्टाइल है वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। और ये है हमारे बन का फाइनल लुक। तो पतले हल्के बालों में भी आप ये वाला बन ट्राई कर सकते हो, और इजी है, बहुत आसानी से आप बना लोगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की इजी और हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।